आज देखें यार कौन सी कंपनी ने किसको हिला के रख दिया। नोकिया की टीवी यार बेकार होगी। क्यूलेट 50,000 के अंदर, चलो ठीक है स्पेक्स क्या है। हर स्पीकर भी अच्छे हैं, 60 वोट्स के स्पीकर है, एंड्रॉइड 11 है, डॉल्बी विजन है, डॉल्बी एटमोस है, वायर एंड्रॉइड 11, यार कितनी तगड़ी स्पेक्स है। नोकिया का ब्रांड है और मेड इन इंडिया, ये तो यार दोस्तों को बतानी पड़ेगी। यार दोस्तों सच में नोकिया ने मार्केट को सच में हिला के रख दिया। नोकिया लेके आया अपनी 4K क्यूलेट एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी, जिसकी प्राइस कह सकते हो आपको 50,000 के अराउंड आपको देखने को मिलती है। कह सकते हो ये लाइन सिर्फ मैं शोमी के लिए, रियलमी के लिए या बाकी ब्रांड के लिए बोलता हूँ, बट कह सकते हो ये लाइन इस बार नोकिया ने कहा हम पी भी इस्तेमाल करो। क्यों कह सकते हो, नोकिया अभी कह सकते हो थोड़ा बहुत ढीला ढाला काम कर रहा था, बट कह सकते हो इस बार नोकिया सच ने जंप लगाई, लेके आया अपनी 4K क्यूलेट स्मार्ट टीवी, जिसकी प्राइस कह सकते हो आपको 50,000 के अराउंड आपको देखने को मिलती है, और जिसमें प्राइस रेंज को देखते हुए आपको काफ़ी क्लियर और काफ़ी बढ़िया स्पेक्स आपको देखने को मिलती है। क्यों कह सकते हो, नोकिया एक इंडियन ब्रांड और इंडियन ब्रांड काफ़ी अच्छा काम कर रही है, काफ़ी बेहतरीन काम कर रही है, उसको भी कह सकते हो काफ़ी आगे तक हमें ले जाना है। लेकिन उससे पहले, सब कुछ बताने से पहले आप करो सब्सक्राइब और हम करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। दोस्तों जो हमारी नोकिया की तरफ से एकदम किलर 4K एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी आती है, जो आती है नोकिया क्यूलेट 4K एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस टीवी के बारे में, इसके डिस्प्ले साइज के बारे में, जो कह सकते हो टीवी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। तो स्मार्ट टीवी में आपको 50 इंच का आपको क्यूलेट का पैनल आपको देखने को मिलता है, जो 4K रेजोल्यूशन के साथ आता है। कह सकते हो क्यूलेट के पैनल LED के पैनल से काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छे आपको कलर्स और कंट्रास्ट भी आपको देखने को मिलेगा, परफेक्ट आपको ब्लैक्स भी आपको देखने को मिलेगा। साथ में आपको 60 हर्ट्ज की आपको रिफ्रेशिंग रेट आपको देखने को मिलती है, साथ में आपको गामा इंजन 2.2 आपको देखने को मिलता है, साथ में आपको डॉल्बी विजन आपको देखने को मिलता है, जिससे कह सकते हो वीडियोज़ में काफ़ी अच्छे आपको कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। साथ में आपको HDR 10 आपको देखने को मिलता है, क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी के साथ आता है, साथ में आपको आइस केयरिंग मोड भी आपको देखने को मिलता है। माने कह सकते हो टीवी से का आप ज़्यादा देर तक देखोगे तो आपकी आंख में कोई भी पेन नहीं होगा, जो मेरे को लग रहा है काफ़ी अच्छी बात है। साथ में आपको MEMC आपको देखने को मिलता है, डिजिटल नॉइस फिल्टर भी आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों खास बात, टीवी में आपको माइक्रो डिमिंग भी आपको देखने को मिलती है, ये क्या करता है वीडियोज़ को ब्राइटनेस को और डार्कनेस को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है, जिससे आपको काफ़ी अच्छे कलर्स आपको देखने को मिलेंगे, एकदम आपको ब्राइट डिस्प्ले भी आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों कह सकते हो उस टीवी को मैक्सिमम आप 5 फीट तक आप ऑपरेट कर सकते हो, तो इस बात का ध्यान रखना। साथ में आपको एकदम बिल्कुल बेजल लेस आपका मज़ा भी आने वाला है। क्योंकि कह सकते हो अगर आप इस टीवी के बेजल्स देखोगे तो काफ़ी पतले आपको बेजल्स आपको देखने को मिलेंगे, जो मेरे को लग रहा है काफ़ी अच्छी बात है। बाकी की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूं तो इस टीवी में आपको MediaTek का क्वाड कोर का आपको प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, साथ में आपको 2GB की रैम और 16GB की आपको रैम एंड रोम आपको देखने को मिलती है, जो मेरे को लग रहा है प्राइस रेंज को देखते हुए काफ़ी अच्छी बात है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करूं तो इस टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम से मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस भी, क्योंकि कह सकते हो इस टीवी में आपको एंड्रॉइड का सबसे लेटेस्ट वर्जन आपको एंड्रॉइड 11 आपको आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिलता है, जो मेरे को लग रहा है टीवी का चलाने का मज़ा, टीवी का इंटरफेस आपको काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। साथ में आपको गूगल असिस्टेंस भी आपको देखने को मिलता है, साथ में आपको क्रोम कास्ट भी आपको देखने को मिलता है, गूगल होम भी आपको देखने को मिलता है। प्रीलोड ऐप्स के बारे में बात करूं तो इस टीवी में आपको काफ़ी सारे ढेर सारे ऐप्स आपको पहले से आपको देखने को मिलते हैं, जैसे आपको जिस प्लेटफॉर्म पर आप वीडियो देख रहे हो YouTube भी आपको देखने को मिलता है, Netflix भी आपको देखने को मिलता है, Disney Plus Hotstar भी आपको देखने को मिलता है, Prime Video भी आपको देखने को मिलता है, Zee5 भी आपको देखने को मिलता है, Voodoo भी आपको देखने को मिलता है, Spotify भी आपको देखने को मिलता है, Sony Live भी आपको देखने को मिलता है, और भी सारे ऐप हैं, बट कह सकते हो जो मेन है ज़्यादातर आदमी यूज़ करते हैं वो मैंने आपको बता दिए। साथ में आपको 5,000 से ज़्यादा ऐप्स और गेम्स आपको देखने को मिलते हैं प्ले स्टोर से, आप इजीली तरीके से आप डाउनलोड भी कर सकते हो।
हॉटकीज के बारे में बात करूँ तो इस टीवी की हॉटकीज से मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हूँ, जिससे कह सकते हो एक बटन दबा के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, जो मेरे को लग रहा है काफ़ी अच्छी बात है। जैसे आपको यूट्यूब देखना है, एक बटन दबाओ यूट्यूब ओपन हो जाएगा, एक बटन दबाओ नेटफ्लिक्स ओपन हो जाएगा, जो मेरे को लग रहा है काफ़ी अच्छी बात है। सबसे पहले इस टीवी में आपको गूगल असिस्टेंस की आपको हॉटकीज आपको देखने को मिलती है, नेटफ्लिक्स की भी आपको देखने को मिलती है, यूट्यूब की भी आपको देखने को मिलती है, प्राइम वीडियो की भी आपको देखने को मिलती है, जो मेरे को लग रहा है काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर आदमी इन सारी कह सकते हो प्लेटफॉर्म पर ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इसके ऑडियो ने सच में मेरे को इंप्रेस कर दिया, क्योंकि कह सकते हो सबसे पहले इस टीवी में आपको 60 वोट्स की आपको दो स्पीकर्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि पावर्ड बाय या कह सकते हो साउंड बाय JBL को, साथ में आपको हार्मन ऑडियो VFX को, और साथ में आपको डॉल्बी एटमोस का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। तो कह सकते हो ऑडियो में आपको काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूँ तो स्मार्ट टीवी में आपको डुअल बैंड वाईफाई भी आपको देखने को मिलता है, जो कह सकते हो 2.4 GHz से लेके मैक्सिमम 5 GHz तक सपोर्ट है, जिसमें आपको 4K में आप कंटेंट स्ट्रीमिंग कर सकते हो, जो मेरे को लग रहा है आपको बता दो। साथ में आपको ब्लूटूथ भी आपको देखने को मिलता है, बट उन्होंने बताया नहीं है कौन सा वर्जन है। पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूँ तो इस टीवी में आपको 3 HDMI के पोर्ट आपको देखने को मिलते हैं, 2 आपको USB का पोर्ट आपको देखने को मिलता है, 1 आपको हेडफोन जैक भी आपको देखने को मिलता है। और भी पोर्ट हैं, बट कह सकते हो जो मेन है ज़्यादातर आदमी इस्तेमाल करते हैं वो मैंने आपको बता दिए। और दोस्तों खास बात, टीवी में आपको डाटा सेवर मोड भी आपको देखने को मिलता है, अगर आपके पास डाटा कम है, आपको यूट्यूब वगैरह देखना है, तो कह सकते हो आपका डाटा बहुत ही कम इस्तेमाल होगा, जो मेरे को लग रहा है काफ़ी अच्छी बात है। बात करते हैं स्मार्ट टीवी के बारे में, इसकी प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। 4K टीवी की प्राइस आपको 49,999 इस 4K टीवी की प्राइस है, जिसमें आपको 50 इंच का आपको QLED का आपको स्क्रीन साइज आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों कह सकते हो इस टीवी का एक दूसरा वेरिएंट भी है 54,999, जिसमें आपको 55 इंच का आपको QLED का स्क्रीन साइज आपको देखने को मिलता है, जो मेरे को लग रहा है टीवी एक सुपर किलर वैल्यू फॉर मनी है। क्योंकि कह सकते हो नोकिया एक इंडियन ब्रांड हो, कह सकते हो काफ़ी लोग नोकिया के भी फैन हैं, खासकर मैं भी फैन हूँ, बट कह सकते हो नोकिया ज़्यादातर कह सकते हो ढीले ढाले काम करता है, बट कह सकते हो इस बार नोकिया ने सच में मार्केट को हिला के रख दिया। 50,000 की रेंज में आपको काफ़ी धागड़ और काफ़ी बेस्ट आपको 4K टीवी आपको देखने को मिलती है। अगर दोस्तों आप नोकिया की तरफ से आने वाला 4K टीवी के बारे में और भी जानकारी लेना चाहते हो या परचेस करना चाहते हो, तो नोकिया QLED 4K एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप चेकआउट भी कर सकते हो, परचेज भी कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, हमारे वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई हो, नॉलेज बढ़ी हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना हो, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना डेली ऐसी ही क्वालिटी टेक वीडियोज लेके आते रहते हैं। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद एंड वंदे मातरम।